औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टेंथ क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर की स्टार्ट में भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली होती क्या है। सिंपली एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ इलेक्ट्रो एंड अदर इज़ अ स्टैटिक्स। कीप इन माइंड कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर स्टैटिक्स का जिक्र करेंगे तो इट मींस कि हम किसी ऐसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जो कि रेस्ट के ऊपर है। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रो का वर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन चार्जेस के लिए यूज़ होता है और स्टैटिक्स का मीन रेस्ट के लिए। इट मींस दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स के बारे में आपने पढ़ा, उसके अंदर कूलम्स लॉ आप लोगों ने डिस्कस किया, फिर स्टैटिक चार्जेस को आपने थोड़ा सा डिस्कस किया, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, चार्जेस किस तरह होते हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, किसनी टाइप के चार्जेस होते हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने डिस्कस की हैं। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं या डिस्कस की हैं, ये सारे के सारे हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बुक के अंदर जो दो एप्लीकेशन जिसकी बताई गई, उसमें से पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर मशीन एक जो नाम लिया हम फोटोस्टेट करने के लिए, पेपर को प्रिंट लेने के लिए यूज़ करते हैं कि एक पेपर हमारे पास है, हम उसी की दूसरी कॉपी लेने के लिए जो एक मशीन यूज़ करते हैं उसको हम लोग ज़ीरोग्राफी मीन फोटोकॉपियर का नाम देते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करके इमेज प्रिंट करते हैं, इमेज प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज़ इंक जेट प्रिंटिंग। ठीक है, तीसरा जो एप्लीकेशन इसकी मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है, डैट इज़ स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग जो हमारी हैवी मशीनरी है, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो भी बनाई जाती हैं, उनकी बॉडीज़ को स्प्रे करने के लिए, पेंट करने के लिए हम लोग स्प्रे पेंटिंग यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम जो ऑटोमोबाइल की बॉडी होगी उसको हम लोग एक चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं और जो स्प्रे नोज़ल होती है उसके ऊपर हम लोग अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें से जब हम एक स्ट्रीम की फॉर्म में पेंट जब उसमें से आउट होता है एक हाई प्रेशर के साथ, तो वहाँ पर नोज़ल से वो पेंट अपोजिटली चार्ज लेके जब उस बॉडी के साथ जाकर टकराता है तो एकदम से उसके ऊपर स्टिक कर जाता है बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से जब दो अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तीसरा जो चौथी एप्लीकेशन जो कॉमनली यूज़ होती है, डैट इज़ चार्ज स्टोरिंग इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर किया जाता है वो चार्ज भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिनोमेना उसको ही फॉलो करता है। उस मजीद इसका हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज कैसे स्टोर होता है, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स के अंदर हम लोग इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और चौथी और पाँचवीं चीज़ है एयर क्लीनर। एयर क्लीनर हम लोगों ने टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब हम उसके अंदर एक एयर गैस लगाई जाती है जिसके ऊपर हम लोग एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एक साइड से जब हम एयर इन कर रहे होते हैं तो उस एयर को हम लोग अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जब एयर उसमें से पास करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं वो उस एयर गैस के साथ चिपक जाते हैं और दूसरे एंड के ऊपर जो क्लीन एयर होती है, जो फिल्टर्ड एयर होती है, वो दूसरे एंड से बाहर निकाली जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारी बुक के अंदर दी गई है, उसके इसको हम लोग ज़ीरोग्राफी का नाम देते हैं। ज़ीरोग्राफी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसमें से एक वर्ड जिसको हम लोग ज़ीरोस कहते हैं और दूसरा वर्ड है ग्राफोस। यहाँ पे ज़ीरोस का वर्ड जो है वो ड्राई के लिए इस्तेमाल होता है और ग्राफोस का जो वर्ड होता है इसको राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफोस मीन राइट करना या कुछ भी प्रोड्यूस करना। तो कम्बिनेशन का अगर हम इसको देखें तो ज़ीरोग्राफी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग ड्राई इंक या पाउडर इंक को यूज़ करके हम लोग एक इमेज से उसका कोई दूसरा इमेज प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ज़ीरोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, ज़ीरोग्राफी मीन फोटोकॉपियर। अब हम इसके अंदर एक ब्लॉक डायग्राम बना के इसको देखेंगे कि बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और इसके अंदर एक पेपर जो हम जिसको भी हम फोटोकॉपिंग के लिए कर रहे हैं उसका फोटोकॉपियर इमेज हम लोग किस तरह हासिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं और उनके पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद उसके ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि हर पार्ट बेसिकली इसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और एट द एंड फिर हम उसका एक डिटेल्ड व्यू देखेंगे कि स्टार्ट से लेकर एंड तक इमेज प्रोड्यूस होने तक उसके अंदर कौन सा प्रोसेस किस तरह ग्रेजुअली प्रोसीड करता है। स्टूडेंट्स, फोटोकॉपी या ज़ीरोग्राफिक्स का जो एक मेन पार्ट है जिसको हम इस मशीन का हेड कह सकते हैं, डैट इज़ द ड्रम।
मेन ड्रम होता है जो जिसका कनेक्शन ऑलमोस्ट हर दूसरे कंपोनेंट के साथ होता है, ठीक है। ड्रम बेसिकली मेन पार्ट है जिसके ऊपर हम कोई इमेज इन्वर्टेड इमेज प्लाट करते हैं। इन्वर्टेड इमेज प्लाट होने के बाद फिर वो पेपर के ऊपर रिप्रोड्यूस होता है और रिप्रोड्यूस होने के बाद वहाँ से उसका आउटपुट इमेज हमें मिल जाता है। ये जो ड्रम होता है, ये ड्रम बेसिकली एक एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम लोग एक सेलेनियम, एक दूसरा मटेरियल है, हम उसकी लेयर इसके ऊपर कोट कर देते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, जबकि जो सेलेनियम है, सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर के बारे में आप लोगों को शायद बताओ कि फोटो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अगर हम उसको लाइट के अंदर रखेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, और अगर हम इसको उठा के अंधेरे में या कि डार्कनेस के अंदर रख देते हैं तो वहाँ पे ये बिहेव करेगा लाइक एन इंसुलेटर। तो ये जो सेलेनियम लेयर, इसके ऊपर हम लोग कोट कर देते हैं, जब इसके ऊपर आके लाइट शाइन करेगी तो वहाँ पे ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा और उसके ऊपर चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको दोबारा अंधेरे में ले जाएंगे तो जहाँ पे जो चार्ज हमने इसके ऊपर स्टोर किया था या जो इसके ऊपर चार्ज हमने भेजा था वो वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा है और एक इंसुलेटर कभी भी चार्ज को आगे कंडक्ट नहीं करता। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है लेंस है, लेंस के थ्रू हम लाइट का एक रिफ्लेक्टेड इमेज इस सिलेंडर के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक टोनर कार्ट्रिज है जिसके अंदर हमने वाइट पाउडर लाइक ब्लैक इंक इसके अंदर रखते हैं जिसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज देके इस ड्रम के ऊपर स्प्रे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेपर है, वो पेपर जिसके ऊपर हमने इमेज लेना है। ये हमारे पास हीटेड रोलर हैं जो यहाँ से आने वाले पेपर को एक फाइनल हीट अप करके उसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि जो टोनर यहाँ से उसके ऊपर शाइन स्प्रे की गई थी वो उसके ऊपर स्टिक हो जाए और यहाँ पे हमें उसका प्रिंटेड इमेज आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। ये हमारे पास वो पेपर है जिस पेपर का हमने इमेज लेना है। इसको हम लोग अपसाइड डाउन प्लेस करते हैं, यहाँ मिरर होता है, उस मिरर के ऊपर या लेंस के ऊपर। यहाँ से ये लैम्प है, इस लैम्प की मदद से हम लोग इस पेपर के ऊपर लाइट शाइन करते हैं। यहाँ से लेंस के थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होकर सिलेंडर के ऊपर पड़ती है। सिलेंडर के ऊपर जब लाइट आके शाइन करती है तो यहाँ पे अब अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़ प्रिंट हुई है या कुछ लिखा हुआ है, कोई डायग्राम, कोई फिगर बनी है, कुछ भी है, तो उसमें कुछ जहाँ पे प्रिंटेड पोर्शन है वहाँ पे ब्लैक जगह डार्क स्पेस होगी और अदर जो रिमेनिंग स्पेस है, ओपन एम्प्टी स्पेस, वो वाइट होती है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद जब यहाँ पहुँचती है तो ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो चार्ज हो जाएगी और आके सिलेंडर के ऊपर जब पड़ेगी तो उसके ऊपर एक इन्वर्टेड इमेज बना देगी। इन्वर्टेड इमेज बनाने के बाद ये सिलेंडर इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकते हैं। जब ये रोटेट करता है वो सिलेंडर इस टोनर कार्ट्रिज के साथ इन कॉन्टैक्ट आता है तो यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज स्टोर किया गया है वहाँ उसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इस टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होगा। तो वो जब कार्ट्रिज के साथ इन कॉन्टैक्ट होकर रोटेट करता है तो अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होकर यहाँ पर उसके ऊपर एक इमेज बनते हैं। जब फर्दर सिलेंडर रोटेट करके आता है तो ये पेपर आके इसके साथ पेस्ट हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह जिस तरह ये सिलेंडर है तो इसके ऊपर ये पेपर आके इसके साथ चिपक चिपक जाएगा। इस सिलेंडर के ऊपर जो भी इमेज हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ था वो सारे का सारे इमेज इस पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद जब फर्दर सिलेंडर रोटेट करता है ये पेपर मूव करता हुआ आएगा और आके इन हीटेड रोलर्स में से पास करता है। हीटेड रोलर्स में से पास करने का मकसद क्या है कि यहाँ से जो ब्लैक स्पॉट्स वाला इमेज हमने इस पेपर के ऊपर पेस्ट किया है हमने उसको स्टिक करना है, सही प्रेस करना है, उसको मेल्ट करना है ताकि उसके ऊपर जो इमेज है वो एक परमानेंट इमेज बन जाए और उसके ऊपर से वो इंक जो है वो दोबारा उससे अलहदा ना हो। तो इसमें से हीटेड रोलर्स में से जब पास करते हैं तो इसके ऊपर इसको हम फर्दर पॉजिटिव चार्ज देते हैं क्योंकि इस पेपर के ऊपर जो इंक हमने स्प्रे करके जो इमेज बनाया था वो इमेज हमने पॉजिटिव चार्ज से बनाया हुआ है। यहाँ से जब इसको हम मजीद पॉजिटिव चार्ज देंगे, जब इसमें से एक वाइट पेपर वो पास करेगा तो चूंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूसरा चार्ज हीटेड भी है तो उसकी वजह से वो एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो जो इंक होगी वो इस पेपर के साथ सही पक्की फिक्स होकर स्टिक हो जाएगी। जब यहाँ से पेपर आउट होगा तो हमें एग्जैक्टली उसी पेज का जो हमने यहाँ पर अपसाइड डाउन प्लेस किया था उसका एक सेम वैसा ही इमेज हमें यहाँ पर आउटपुट के तौर पर मिल जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Now we are going to discuss the second application of electrostatics that is inkjet printing. Inkjet printers के अंदर जो basically एक basic phenomena होता है उस basic phenomena के अंदर क्या होता है कि जो image produce किया जाता है उस image को produce करने के लिए
जो इंक हम लोग यूज़ करते हैं उस इंक कंट्रोल करने के लिए हम लोग चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं। हम चार्जेस को यूज़ करके उस इंक को चार्ज करते हैं, अनचार्ज करते हैं, या उसको फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमने पेपर के ऊपर इमेज ड्रा करना होता है या कोई भी चीज़ हमने वहाँ पर प्रिंट आउट करनी होती है। इसको जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इंकजेट प्रिंटर की, उसके अंदर एक मेजर हमारे पास इंक सोर्स है जिसके आगे एक पंप लगा होता है। इंक सोर्स से हम लोग इंक लेते हैं, पंप की मदद से हम लोग उसको प्रेशराइज करके एक स्मॉल नोज़ल के थ्रू वहाँ से इजेक्ट करवाते हैं। स्मॉल नोज़ल के थ्रू इजेक्ट करवाने का हमारे यहाँ पे मकसद क्या है कि जब यहाँ से अगर इसका हम एरिया ज़्यादा रखेंगे तो जो हमारे पास इंक निकलेगी उसका एक फाइन बीम नहीं बनेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 जब हमने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी थी, उस फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हमने इस बात की थी कि जितना हमारे पास इमर्जिंग नोज़ल का या इमर्जिंग एंड का एरिया स्मॉलर होगा, वहाँ से इजेक्ट होने वाला फ्लूइड उतनी हाई स्पीड के साथ इजेक्ट करेगा। अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद हो तो हमने कहा था डैट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट मींस कि अगर हम इसको रिलेशन बना के देखें तो इट गिव्स अस दैट एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितना एरिया स्मॉल होता जाएगा वेलोसिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। बोथ एरिया एंड वेलोसिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द ईच अदर। सो यहाँ पे हम नोज़ल का जो आउटर एंड होता है, प्रिंट हेड का जो हेड होता है, उसका हम लोग नोज़ल जो है उसके बहुत स्मॉल रखते हैं ताकि यहाँ से एक तो जो इंक निकल रही है वो बिल्कुल ही फाइन बीम की शक्ल में निकले और दूसरा उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस स्प्रेड उसके अंदर ना हो, जिसकी वजह से हमारे साथ जो प्रिंट होगा, प्रिंट आउट होगा, उस प्रिंट आउट के ऊपर वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डॉट्स वगैरह प्रोड्यूस हों। यहाँ से जो फाइन बीम निकलता है वो फाइन बीम आगे उसके बाद एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास करता है, जिसके अंदर जिस चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है उस चार्जिंग उस कंट्रोल उस पैनल के थ्रू, जो हमें यह बताता है कि इस फाइनल पेपर के ऊपर हमने किस जगह पे प्रिंट करना है और किस जगह को हमने ब्लैंक छोड़ना है। उसको सामने रखते हुए ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है यहाँ से गुजरने वाले उस फाइन बीम को कुछ पोर्शंस को चार्ज कर देता है, कुछ पोर्शंस को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किस तरह चार्ज न्यूट्रलाइज करता है कि हमें ये देखना होता है कि जिस चार्जिंग कंट्रोल को वहाँ से मैसेज मिलता है कि ये जो फाइन बीम इस वक्त जो डार्ट यहाँ से गुजर रहा है, ये जब पेपर के ऊपर पास पहुँचेगा तो वहाँ पर इसने कुछ ना कुछ प्रिंट करना है। तो एट दैट टाइम ये चार्जिंग कंट्रोल क्या करते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को स्विच ऑफ कर देता है। जब वो स्विच ऑफ करता है तो यहाँ से गुजरने वाला जो बीम होता है वो अनचार्ज रहता है और यहाँ से स्ट्रेट पास कर जाता है, पास करके आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स तक पहुँचता है। लेकिन वहाँ से साथ ही दूसरा मैसेज चार्जिंग कंट्रोल को मिलता है कि अब ये जो फाइन बीम यहाँ इस इलेक्ट्रोड में से पास कर रहा है, ये जब पेपर के ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इस इंक की मदद से हमने वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट आउट नहीं करनी। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि चार्जिंग कंट्रोल इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है, इनके ऊपर एक नेट पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। तो वो जो एक फाइन बीम इसमें से जब गुजर रहा होता है तो उसके ऊपर कोई एक नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब वही वाला फाइन बीम जब यहाँ से निकल के रीजन में से सेंट्रल रीजन में से पास करने के बाद इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में पहुँचता है, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर अगेन हमने इसके ऊपर अपोजिट पोटेंशियल दिया हुआ है, एक साइड पे एंड के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक एंड के ऊपर नेगेटिव होगा। इट मीन्स इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जब हमने पेपर के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो यहाँ चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से हमने इस बीम को अनचार्ज निकाला था, तो जाहिर सी बात है कि अनचार्ज रीजन चीज़ जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से चीज़ में से पास करती है तो उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। डैट इज़ वाई वो जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा जो अनचार्ज है वो स्ट्रेट जाके इस पेपर के साथ स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर जाके करिस्पॉन्डिंगली जो भी चीज़ प्रिंट आउट करनी है, जिस तरह का मैसेज उसको दिया गया उस तरह का मैसेज यहाँ पर प्रिंट आउट कर देगा। सेकेंडली जब पेपर के ऊपर ब्लैंक स्पेस है तो वही यहाँ से जो बीम चार्ज होकर निकला था इन इलेक्ट्रोड्स में से, वो जब इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरेगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरते वक्त वो स्ट्रेट जाके पेपर के साथ हिट नहीं करेगा, बल्कि इसमें से गुजरते वक्त वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आगे गटर पोजीशन होती है। जो रिमेनिंग इंक हमारे पास, वो इंक जिसको यूज़ करके हमने पेपर के ऊपर प्रिंट हासिल नहीं करना होता, वो डिफ्लेक्ट होकर सीधी गटर में जाती है और गटर से रीफिल होकर वो दोबारा इंक सोर्स में वापस पहुँच जाती है, जहाँ से उसको दोबारा हम लोग रीयूज़ कर लेते हैं।